हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार मैं हूं शाश्वत तिवारी एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए क्वेश्चन की विच इज सर्चिंग एन एलिमेंट इन अ रो वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स। तो ये लीड कोड की एक प्रॉब्लम है एंड अगर आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज चेकआउट नहीं की है तो ऊपर आई बटन पर आ रही होगी, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है। सो हमें बेसिकली एक मैट्रिक्स दी होगी या इसे हम 2D एरे भी कह सकते हैं एंड ये रो वाइज सॉर्टेड है, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा 1, 3, 5, 7 इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सॉर्टेड है, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या दी हुई है कि आपके जो हर रो का स्टार्टिंग एलिमेंट है वो प्रीवियस रो के लास्ट एलिमेंट से बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 7 है एंड यहाँ फर्स्ट एलिमेंट है 9, तो 9 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7। सिमिलरली 27 इज ग्रेटर देन 20 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी आपका फर्स्ट एलिमेंट प्रीवियस रो के लास्ट एलिमेंट से बड़ा है। सो मैंने क्या किया, मैंने एक सैम्पल मैट्रिक्स ले ली है एंड हम इसमें टारगेट लेते हैं 16, ठीक है। मुझे 16 सर्च करना है। सो मैं कहता हूँ मेरा जो टारगेट एलिमेंट है दैट इज 16। तो यार पहली अप्रोच जो हमारे दिमाग में आ रही होगी वो ये होगी कि भाई स्टार्ट करते हैं ट्रैवर्स का 9 पता कर लेंगे। सो मैं देखता हूँ यहाँ पे 16 का है, यहाँ नहीं मिला, यहाँ जाके मिला, ठीक है। तो ये इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी n इंटू m, ठीक है। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडली हम कर सकते हैं कि हम थोड़ा टाइम अपना बचा सकते हैं। हमें पता है कि ये मैट्रिक्स सॉर्टेड है यानी ये रो वाइज सॉर्टेड है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो 16 है ये इन दो एलिमेंट के बीच में लाई करेगा तभी इस पर्टिकुलर रो में होगा, अदरवाइज नीचे कहीं होगा। तो मैं चेक करता हूँ क्या 16 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, बिल्कुल। लेस देन इक्वल टू 7 है, नहीं, दैट मीन्स यहाँ फिट नहीं बैठ रहा। अब देखते हैं क्या 16 9 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, हाँ। 20 से लेस देन इक्वल टू है, बिल्कुल। तो ये वाली रो है तो अब मैं इसमें सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च करेंगे तो 1, 2, 3 यहाँ जाएंगे, यहाँ हमें आंसर मिल जाएगा। इस केस में हमने क्या किया, हमने मिडिल एलिमेंट मतलब बहुत सारी रोज क्या की स्किप कर दी। तो ये थोड़ा सा इम्प्रूव्ड सोल्यूशन था इन कंपैरिजन टू कि आप हर एलिमेंट से एक एक करके मैच करो। अब यार यहाँ पर तो खाली 4 एलिमेंट थे, क्या हम इसे और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं जब यहाँ पे मतलब 1000 एलिमेंट है सपोज, तो क्या हम उस केस में इसे और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं, ट्राई करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक चीज़ है, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो हम यूज़ करने वाले हैं विच विल बी बाइनरी सर्च, ठीक है। बाइनरी सर्च क्या होता है, ठीक है। तो ये बाइनरी सर्च होता क्या है एंड इसे समझना बहुत सिंपल है एक्चुअली, ठीक है। एंड हम इसे यहाँ क्यों अप्लाई कर रहे हैं हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बाइनरी सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च ऑब्वियसली एक सर्चिंग एल्गोरिथम है, तो नाम से ही पता चल रहा होगा। इसमें हम क्या करते हैं यार, हमारी सब प्रॉब्लम को एक स्पेसेस में डिवाइड करते हैं, इसे हम कहते हैं सर्च स्पेस। एंड हम हर सर्च स्पेस को रिड्यूस करते जाते हैं, ठीक है। मैं कह क्या रहा हूँ, बहुत सारा टेक्निकल चला गया हूँ तो आपको बिल्कुल लाइक नॉर्मल टर्म से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये बुक है, ठीक है, मेरे पास ये बुक है एंड सपोज करते हैं इसमें 100 पेजेस हैं। मैं आपसे कहता हूँ एंड ये नंबर है, ठीक है। अब ये तो नोटबुक है, इसमें नंबर्स नहीं पड़े हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ सपोज करते हैं बुक है, मैंने आपसे कहा भाई शाश्वत इसका 30th पेज निकाल के दो इस बुक का, ठीक है। पहला बच्चा क्या करेगा, ऐसे करते जाएगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4। दिस इज लीनियर सर्च कि आप एक एक करके सर्च कर रहे हो। बाइनरी सर्च यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने कहा भाई ये उठाया, अब देखा है ये पेज नंबर 50 है, ठीक है, ये 50 है, ये वाला पेज 50 है। दैट मीन्स मेरा 30 कहाँ लाई करेगा, इस हाफ में लाई करेगा, इस हाफ में लाई नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, अपने सर्च स्पेस को छोटा कर दिया। अगली बार मैं क्या कहूँगा, इसके मिडिल का ले लूँगा तो 25 मिलेगा, अगली बार 25 to 50 ले लूँगा, ठीक है। ऐसे करके मैं सर्च स्पेस रिड्यूस करता जाऊँगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं बाइनरी सर्च, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम काम करते हैं। मैं कहता हूँ ये है मेरा, इसको मैं इंडेक्स वाइज लिख दूँ अगर, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मेरा जो लो है वो है 0, जो हाई है वो है 3। 3 कैसे आए, यहाँ 4 एलिमेंट्स से इंडेक्स वाइज आया, ठीक है। एंड मुझे एक मिड निकालना होता है, मिड का फॉर्मूला होता है यार आपका लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। अब मुझे यहाँ पे 4 एलिमेंट दिए, मैंने सर्च किया, मैंने मिड निकाला, तो मिड आ जाएगा मेरा, मिड क्या आ जाएगा, 0 प्लस 3 माइनस 0 बाई 2, 3 माइनस 0 इज 3 अगेन, 3 बाई 2 इज 1.5, बट यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो मैंने कहा 1, ठीक है। यानी हम इस इंडेक्स पे जाके चेक करेंगे जो एलिमेंट है उसका हमारे टारगेट से क्या लेना देना है। तो 14 यार आपके टारगेट से एक बड़ा है या छोटा है, छोटा है, ठीक है।
अब ये चीज़ समझना, 14 आपके टारगेट से छोटा है, यानी आपका टारगेट 14 से बड़ा है। दैट मीन्स वो कभी इस तरफ नहीं लाई करेगा 14 के, वो इस तरफ लाई करेगा, ठीक है। तो अब मेरी सर्च स्पेस हो गई यहाँ से यहाँ तक। बात समझ में आ रही है? देखो यार, इस चीज़ को समझना, मैं 16 ढूंढ रहा था, मैंने चेक किया यहाँ पे 14 है, 16 मेरा इस 14 से बड़ा है, दैट मीन्स सर्च स्पेस यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे जो लो यहाँ पे था इसे अब शिफ्ट कर दूँगा, तो मेरा लो आ जाएगा यहाँ यानी मिडिल की जगह पे, एंड मेरा हाई जो है यानी एंड जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब मैंने इस सर्च स्पेस को स्किप कर दिया, यानी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैंने इसे स्किप कर दिया। अब इस सर्च स्पेस में देखते हैं, मेरा लो हो गया 1, ठीक है। तो सेम फॉर्मूले से अगर कैलकुलेट करें तो 1 + 3 - 1 = 2, 2 by 2 विल बी 1, ये आ जाएगा 1 + 1, दैट विल बी 2, सेकेंड इंडेक्स, ठीक है। सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, ये मेरा मिड है, ठीक है। इससे पहले मिड ये था, अब मिड ये हो गया। मैंने कहा मिड पे 16 है, क्या 16 और टारगेट का क्या रिलेशन है, इक्वल हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स आपको क्या मिला यहाँ पे, आपको यहाँ पे मिल गया कि ठीक है भाई, मुझे 16 यहाँ मिल गया, यानी यही मेरा आंसर है। एंड ये एक बूलियन फंक्शन है, ठीक है, हमें एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करनी, यानी ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ट्रू, ठीक है। तो आई होप ये कोड आपको समझ आ गया होगा। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने चेक किया कि भाई हमारी कौन सी रो है, फेवरेबल रो कह सकते हैं, जहाँ पर 16 लाई कर सकते हैं। वो कैसे चेक किया, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट से, ठीक है। अगर 16 है तो ये इट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट एंड लेस देन इक्वल टू लास्ट एलिमेंट। तो हमने देखा ये वाली रो सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को, ये वाली रो अब रो वाइज सॉर्टेड है, ठीक है। एंड बाइनरी सर्च हमेशा आप कहाँ लगा सकते हो, सॉर्टेड मैट्रिक्स या सॉर्टेड एलिमेंट्स में लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये रो सॉर्टेड थी, तो मैंने सिंपली बाइनरी सर्च लगाई, मुझे मिल गया 16 यहाँ पर, एंड दैट विल बी माई आंसर। तो मुझे इंडेक्स नहीं रिटर्न करनी, मुझे क्या रिटर्न करना है, ईदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, अब चलते हैं इसे कोड कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले रो फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। मैंने वही कमेंट कर दिया, फाइंडिंग दी अप्रोप्रिएट रो, ठीक है। अब रो कैसे फाइंड करेंगे यार, ऑब्वियसली मुझे कहाँ से कहाँ ट्रैवर्स करना होगा, मैट्रिक्स से सारी रो पे ट्रैवर्स करना होगा। तो मैंने लिख दिया मैट्रिक्स डॉट लेंथ, ठीक है, एन से डिफाइन कर लेते हैं। एंड हम लिखते हैं i = 0, i <n>, i++, ठीक है। यानी हम रो वाइज ट्रैवर्स करेंगे। अब मुझे कैसे पता होगा कि मुझे इसी पर्टिकुलर रो में सर्च करना है, अभी हमने बात की थी हमारे जो टारगेट है दैट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रो और लेस दैन इक्वल टू द सॉरी नॉट और एंड इट शुड बी लेस दैन इक्वल टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ द रो, ठीक है। तो वही मैंने किया कि टारगेट ऑफ लाइक टारगेट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू मैट्रिक्स i0 और लेस दैन इक्वल टू मैट्रिक्स i। अब यहाँ पे लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे मैट्रिक्स एंड यहाँ पर लिख देते हैं 0, ठीक है। तो कोई भी आप कॉलम ले सकते हो, आप यहाँ पर अल्टरनेटिव ले क्या कर सकते थे, मैट्रिक्स लाइक यहाँ पर ही कर सकते थे कि मैट्रिक्स i.length-1, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं एंड सिंपली हम बाइनरी सर्च करेंगे एंड इसमें इस रिजल्ट को स्टोर करेंगे। तो डिफॉल्ट मैंने फॉल्स कर दिया कि मतलब अगर मुझे नहीं मिलता तो भाई फॉल्स होगा, अगर मिल जाता तो उसे हम ट्रू कर लेंगे। तो मैंने वही कहा रिजल्ट इज इक्वल टू बिन सर्च, बिन सर्च हेयर मीन्स बाइनरी सर्च, एंड सिंपली हम रिजल्ट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये कोड हो गया मेरा सर्च मैट्रिक्स का। अब मुझे जाके लिखना है बाइनरी सर्च का कोड, तो बाइनरी सर्च मैं इसे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक एंड बूलियन वैल्यू रिटर्न करनी है, एंड देन हम यहाँ पर एक और सेकेंड एक चीज़ और यहाँ से ही करनी है, यहाँ पर हम करते हैं इंट एंड एस आई को हटा देंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, कॉपी पेस्ट इसीलिए नहीं करना चाहिए, बहुत एरर्स आती हैं। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या चाहिए, स्टार्ट पॉइंट चाहिए, एक एंड पॉइंट चाहिए, एक मिड चाहिए, ठीक है। तो मिड मैं अंदर ही डिफाइन कर लेते हैं, मिड कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू हमारा एंड, ठीक है। अब अगर मुझे जो मेरा मिड है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई टू, ठीक है। ये चीज़ डन है, चलो अब यहाँ पर मिड मिल गया मुझे। अब मैं कहूँगा कि अगर मेरा टारगेट मिड के बराबर है, सिमिलरली यार जो हम बाइनरी सर्च में करते हैं, अगर इसके बराबर है तो यहाँ पे क्या कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू, क्योंकि ये बूलियन है, मुझे इंडेक्स नहीं रिटर्न करनी, मुझे ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। एल्स इफ मैं क्या कहूँगा, अगर मेरा टारगेट लेस देन है किससे, मैट्रिक्स के मिड से, यानी कि मेरा जो एंड पॉइंट है वो खिसक के कहाँ आ जाएगा, मिड पे आ जाएगा। मैं कहूँगा एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन, एल्स मेरा स्टार्ट पॉइंट कहाँ हो जाएगा, मिड प्लस वन पे, ठीक है। एंड ये पूरे कार्यक्रम के बाद भी आंसर नहीं मिला तो रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो ये कोड डन है, एंड मैंने शायद यहाँ कुछ गलती, ये देखो यहाँ पर लेंथ माइनस वन हो गया यार, तो यहाँ करें या फिर नीचे एम माइनस वन पे कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ कर देता हूँ एम माइनस वन, क्योंकि लास्ट एलिमेंट हमेशा एम माइनस वन होगा, एम पे एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, ठीक है। चलो आई गेस ये कोड अब कम्प्लीट है, तो हम इसे रन करा के देख लेते हैं, चल तो जाना चाहिए, लग तो रहा है ऐसा कि चल जाएगा, हाँ चल गया। तो मैं इसे सबमिट कर लेता हूँ,
ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये देखो 100% फास्ट से सोल्यूशन आ गया, तो यार एक लाइक भी बनता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।